हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और ये स्टोरी है तीन दोस्तों की, जिसमें बकरी है, चिड़िया है और हाथी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाना खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहाँ पर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया और उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। तो बेर के पेड़ को देखकर हाथी और बकरी यानी कि दोनों दोस्त बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए और फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को ज़ोर से हिलाया और उससे क्या हुआ कि ज़मीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। तो बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने के लिए खोज में कहीं गई हुई थी, मतलब अपने बच्चे के लिए खाना लेने गई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा, क्योंकि जो बेर का पेड़ था तालाब के जस्ट किनारे था। और चिड़िया का बच्चा जब तालाब में गिरा तो डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर और उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह भी पानी में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मज़े में रहते और खाते पीते थे। तो हर कहानी को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ सीख मिलती है फ्रेंड्स। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मनमुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना। और थोड़ा सा भी पसंद आई हो आज की स्टोरी मेरी आवाज़ में तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।